नमस्ते बच्चों, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बीच में पढ़ के बताएगा? सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। इससे हम क्या समझ में आता है कि अभी ये जो भैया यहाँ बैठे हैं, ये जो आपको बताएंगे उसको आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि शास्त्रीय संगीत जो होता है किस तरह के राग होते हैं, और एक दिन में तो आप सीख नहीं सकते हैं क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है इतना, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे अमजद जी। क्या लिखा हुआ उधर? सुनेंगे। हाँ ठीक है, तो आपका क्या फ़र्ज़ है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने शास्त्रों से जुड़ें, उस कल्चर से जुड़ें जिसको लोग सात समंदर पार से सीखते हैं यहाँ आकर, ठीक है? वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें अपना म्यूजिक सीखने के लिए सात समंदर पार जाना पड़ेगा, होगा ना ऐसा? लेकिन आप ऐसा होने नहीं देंगे। आप किसी को बताएंगे कि लय कितने प्रकार की है तो कैसे बताएंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 कितनी काउंटिंग हुई? 16। तो पहले जो मैं ताली मार रहा हूँ उसमें चार जाएगा, फिर दूसरी ताली में भी चार जाएगा, तीसरी खाली में चार जाएगा और चौथी भरी में भी चार जाएगा। तो पहले आप मेरे साथ ताली लगाएंगे, फिर उसके बोल मैं आपको बाद में बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4 हाँ हो गया काम। मैं यहाँ से देख रहा था, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो। हम लोग तो जाते रहते हैं अलग अलग स्कूलों में, इतने कैचिंग पावर आप लोगों के ना मैं देख ही नहीं कहीं। तो हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो यहाँ गेम खेलने के लिए तैयार है। आप लोग बताओगे आग, आग कैसे दिखाओगे? आग सर माच जलाएंगे। नहीं, नहीं। आपके बॉडी मूवमेंट से आपके आपके बोलना नहीं है, आपके लेफ्टन देखे ना आपका कैसे होते हैं, यहाँ से ऐसे उठाना है। आप दोनों को कोऑर्डिनेशन करना है, देखो कैसे आग बनेगी। कर तीन तीन चार मिनट जब तो पता चले, अब एकदम से उठ जाएगी धीमे धीमे नीचे हो रही है ना। आप डिसाइड करो, आप दोनों डिसाइड करो पहले। करो और करो। ये आग कम पड़ गई ना इस तरफ वाली, तो कोऑर्डिनेशन नहीं। आप देखने एक दूसरे उस तरफ मुकरो, नहीं होता इनका इनका आपस में नहीं। बेटे आप हिमांशु आप समझे नहीं, ये अलग देख रहा बोला है तो आ गई ना, एक दूसरे को देख लिया। आई कांटेक्ट करो पहले, आई कांटेक्ट। हाँ अलग अलग अब कूड़ा रखना, अलग अलग अब कूड़ा रखना, यही हमारा मंत्र है। जीरो वेस्ट का मंत्र है, हरे में गीला नीले में सूखा धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा। वेरी गुड। और हमने क्या सीखा? तीन तरह के जो कूड़ेदान है उसको हमें कैसे यूज करना है? वेरी गुड। तो हम अब क्या करेंगे, हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, अपने स्कूल में सफाई रखेंगे, अपने घर में सफाई रखेंगे, और अगर कोई गंदगी फैला रहा हो तो उसको रोकेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि गंदगी मत फैलाओ। झगड़ा नहीं करेंगे, उसे प्यार से समझाएंगे, ठीक है? चलिए एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए सब लोग। थैंक यू।